गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, दिस इज़ योर न्यू चैप्टर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला. सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्रेव लेडी कल्पना चावला. हैव यू फैमिलियर विद दिस नेम? नो, कल्पना चावला के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा. सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो रिलेटेड विद दिस हिस्ट्री ऑफ दिस ब्रेव गर्ल. ओके, सो वी स्टार्ट दिस चैप्टर. कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन कर्नल that she would cross the fortiners of space. So in this story, the Kalpana Chawla said, Kalpana Chawla कहती हैं that she never dreamed, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, as a child in Karnal, एक करनाल की छोटी सी बच्ची, that she would cross the fortiners of space, जो space की इतनी सारी ऊंचाइयों को क्या कर जाएंगी, पार कर जाएंगी. So she can say that she has never dreamed about the astronaut, about his career. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore school. It was enough, ye bahut tha, that her father allowed her to attend engineering college. Unke father ne, unke parents ne unko allowed kiya ki engineering college padhe aur wahan se graduate ho jaye. ओके, सो उन्होंने इतना ही सोचा था कि शी हैज़ कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएट फ्रॉम टाइगर स्कूल एंड आफ्टर दैट he is rest his studies, but who can think that one day she will become a great astronaut. After a bachelor of science degree in aeronautical engineering means the space science. Okay, so after a bachelor of science degree in aeronautical engineering against great opposition from her father. सो आफ्टर द बैचलर ऑफ साइंस उन्होंने सोचा कि हमें क्या जाना है, एरोनॉटिकल इंजीनियर पढ़नी है, जिसमें फादर उनके बहुत ज़्यादा अपोजिट थे. मतलब उनके फादर को पसंद नहीं था कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करें. शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. मास्टर्स करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गई. शी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. उन्होंने उसके बाद में अपनी PhD कंप्लीट करी है एरोस्पेस इंजीनियरिंग. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड टू अ केप्ड कैनिवल फ्लोरिडा. सो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. अभी दो वर्ड आ रहे हैं, इंडियन एंड अमेरिकन. सो हम इसमें देखेंगे कि हम क्यों उन्हें इंडियन अमेरिकन के दोनों वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं इनके लिए. जो फर्स्ट वुमेन थी जो कि क्या गई थी, लॉन्च पैड में गई थी एंड पार्टिसिपेटेड इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. और एक स्पेस के मिशन में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज ए वॉच द कोलम्बिया लिफ्ट ऑफ. ओके, कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज US सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्पेक्टर जीन पियरी हैरिसन. सो बेसिकली कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा. बस आफ्टर सम टाइम शी गेट मैरिड विद अमेरिकन फ्लाइट इंस्पेक्टर हैरिसन. सो दैट्स वाई वी कैन से द इंडियन अमेरिकन. ओके, सो बिसाइड बींग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स. सो शी स्टडी सो हार्ड एंड बिसाइड दीज ऑन थिंग्स शी हैज़ गेट द लाइसेंस ऑफ फ्लाइंग सिंगल एंड मल्टी इंजन एयरप्लेन्स. एरोप्लेन्स उड़ाने का इनके पास लाइसेंस था, सिंगल इंजन शी प्लेन्स एंड लीडर. शी वॉज ऑल्सो सर्टिफिकेट फ्लाइट इंस्पेक्टर. ठीक है, इंस्ट्रक्टर, तो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी. आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, यू नो हु इज पायलट, हु ड्राइव द फ्लाई द प्लेन्स. कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज. कल्पना ने अपने लिए एक अलग चैलेंज लिया, अप्लाई टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. नासा, ठीक है, नासा स्पेस प्रोग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अप्लाई किया. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. नासा फॉरनर कंपनी है एरोस्पेस की. ठीक है, सो वहाँ पर ये फर्स्ट आई उस रिसर्च साइंटिस्ट बनने में. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. और in 1994 में इन्हें कहाँ बुलाया गया, NASA में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया एस्ट्रोनॉट की. When asked what is it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country.
आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम. सो कभी भी जब इनसे पूछा जाता है वुमेन होने के नाते कि आपने ऐसे ड्रीम कैसे देखे, ठीक है, हम बेसिकली जो वुमेन्स हैं वो डिफरेंट टाइप के भी ड्रीम्स देखती हैं, पर अचानक से एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बन जाना या फ्लाइंग इंस्पेक्टर बन जाना, ये इन्होंने कैसे सोचा. आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स, उन्होंने कहा कि मेरे सपने जो हैं वो सिर्फ मेरे हैं. एस आई फॉलोड दैम, मैं ड्रीम देखती हूँ और उन्हें फॉलो करती हूँ. एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास हैं, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी एंड सेड, और उन्होंने हमेशा मुझे क्या किया, इनक्रेज किया और मुझसे कहा, इफ दैट्स वट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, जो भी तुम चाहो, जो भी तुम अच्छा चाहो, सो कैरी ऑन, डू इट. ओके, शी नेवर गिव अप फॉर एनी क्रूशियल सिचुएशंस, सी ऑलवेज डू वट एवर ही वॉन्ट. सो कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन अ स्पेस शटल कोलम्बिया वॉज 15 डेज. जो फर्स्ट स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में जाने का जो पहला मिशन था वो कोलम्बिया का था, जो 15 डेज का था. 15 डेज 16 hours and 34 minutes लॉन्ग. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड अर्थ 252 times. उन्होंने इस समय पर जो अर्थ थी उसके 252 राउंड्स लगाए थे. ट्रैवलिंग 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and Ukrainian astronaut. So in this, she has many of his friends, Japanese and Ukrainian astronaut. The crew perform experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metal and faster computer chip, all for a price tag of about $56 million. So they were experiment some of things like a plant pollinating plants, observe food growth. Okay, and the stronger metal. So these are the subject of his researchers in this space. She has spent 15 days, 16 hours and 34 minutes in space. And in this time, she rounded the earth 252 times. ये सोची इतने समय में इन्होंने पूरी अर्थ के 252 बार ही अर्थ के चारों तरफ घूमी थी, ठीक है. So, read it. And next video, we have completed this story.